अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट एहसान हाशिम और आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड टेक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप चैट जीपीटी अगर यूज़ करते हैं तो वो आप अपने मोबाइल में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी की प्ले स्टोर पर ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है जो कि आप इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर सकें। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप डायरेक्टली एक आइकन आपके मोबाइल के अंदर आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका चैट जीपीटी ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, वो किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले आपने अपने क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद चैट जीपीटी को लॉगिन कर लेना है। मेरा चैट जीपीटी लॉगिन है तो वो ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो आप अपना अपना चैट जीपीटी जो है वो लॉगिन करके प्रॉपर ओपन कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा चैट जीपीटी जो है ये पूरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो वो वर्क भी करेगा, ये देखें। तो अब जो है, जब ये स्क्रीन आपके पास आ जाए तो अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है सिंपली ऊपर देखें क्रोम में राइट टॉप पे तीन डॉट नज़र आ रहे हैं, तीन डॉट पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिल रहा है और उससे ऊपर देखें आपको ऑप्शन मिल रहा है ऐड टू होम स्क्रीन, ठीक है। ऐड टू होम स्क्रीन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है इसको मिटा के आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, चैट जीपीटी रख लें तो ज़्यादा आसानी होगी आपके लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चैट GPT, ठीक है। तो चैट GPT आपने लिख के ऐड कराना है। ऐड कराएंगे जब तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा आपके मोबाइल में। अच्छा, अब ये कहाँ पे शो होगा तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे मैं आया तो यहाँ पे ये देखें, ये आ रहा चैट GPT आइकन्स, ठीक है, चैट GPT। तो मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये डायरेक्ट मेरा चैट GPT ओपन हो गया है और अब मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करके चैट GPT यूज़ कर सकता हूँ अपने मोबाइल के अंदर। तो दोस्तों, ये छोटी सी ट्रिक आपको कैसी लगी? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और आपको कुछ सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिस इज एसन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।